बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या जाति में बैठ के बैठे हो या एसएससी जीडी के बच्चे बन के बैठे हो बताओ? जब जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब जब बट जाओगे तब तक सियासतदान लोग कामयाब हो जाएंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। बताओ 7 साल में कितना रोजगार मिला इस देश में? सच ये है, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता, जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते देश की रक्षा करेंगे? इतना बढ़िया इतिहास है, शिक्षा मंत्री पूछो 9वीं फेल, गृह मंत्री पूछो खड़ी बार, प्रधानमंत्री पूछो डिग्री नहीं है, पूछो डिग्री कहाँ है तो कहे प्रधानमंत्री पूछो कि आरटीआई में, तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट रहा होगा जब तुम पढ़ रहे थे? नहीं, जहां से बताए कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थ्योरी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते कि हिंदू खतरे में है, लोग सतर्क हो जाते हैं हिंदू खतरे में। 35 साल तक भिक्षा मांगे खाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग खतरे में है? नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में। खुद बोला है, समझ रहे हो? जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ कुछ कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ इनके ऊपर। जब हक की मांग करोगे तब बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि यार जाग जाओ, अगर आज नहीं जागेंगे तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार, ये मेरे नौजवान साथियों भाई पढ़ा करो, पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा किसने दिया। मैंने तो नहीं दिया भाई, ये चुनाव में 10,000-20,000 करोड़ रुपए लगाए किसका पैसा है भाई? 20,000-20,000 बस, 2,000-2,000 बस लगाए किसका पैसा है भाई? बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे, जो टैक्स आप देते हो ना वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते हैं। 10-10 लाख का कोट पहनते हैं, 8-8 हजार करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में, और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा उनके लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां कहां से कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा तुम्हारे लिए। कौन खतरे में है? तुम खतरे में हो या वो खतरे में? खतरे में तुम्हें तो लड़ेगा कौन सा? बुद्धिमान बनो, ये खतरा तभी आएगा जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद खतरा टल जाएगा, समझ रहे हो? जब भी सरहद पे तनाव होगा याद करना और देख लेना कि कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा, समझ रहे हो? ये सच है देश का। तो आज जो लोग यहाँ हैं वो अपने मन में सवाल लेके जाएंगे, अभी तो जा ही नहीं रहे, कि अब इनकी बातों में नहीं आना, अब ये हमें जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग लड़ेंगे। और रोजगार तुम्हारा अधिकार है, इस देश के हर व्यक्ति का, कॉन्स्टिट्यूशनली बता रहा हूँ, संविधान ने दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये साची सरकार देगी। रोजगार नहीं देती तो रोजगार भत्ता देगी। इस अमेरिका की बात कहना आगे निकल गए, कोरोना काल में भी उन्होंने अपने बेरोजगार लोगों को 1.5 लाख रुपए का भत्ता दिया, ये 1.5 रुपए न दे, समझ रहे हो? यूपी में भोजन बंटवार है, अभी एक अम्मा ने रिलीज किया, चना जो है ना वो सड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए चने में, और अपनी इतनी प्यारी फोटो लगाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के, जैसे बोलो कि अब इनके विवाह की बात चलने वाली है। अरे इनके बारे में सोचो नौजवानों के प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 1 करोड़ ही दे दो,
छीन लिए, रिपोर्ट छपी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बता दो क्या सरकार हमें सुनना चाहती है, नहीं सुनना चाहती? लाठियों गोलियों मुकदमों से नहीं डरते नौजवान, ये तो याद रखो आप लोग। जेल से भी नहीं डरते हैं। एक क्रांतिकारी के लिए हथकड़ी और जेल तो गहना होती है, हम तो स्टार ढूंढते फिरते हैं। मेरा अनुरोध है, कितने लोग हैं जो हक के लिए लड़ना चाहते हैं बताओ? कोई जवाब नहीं देगा, बताओ वादा करोगे नहीं करोगे? अगर तुम्हें लाठियां पड़ोगी तो क्या करोगे? सोचो, आज मातृभूमि की रक्षा पे हैं, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आज जब तक आपके अधिकारों पे बात नहीं होगी तब तक हिलना मत यहां से।